सो हमने लास्ट क्लास तक 12 ग्रुप कर लिए थे। हम लोग पहले 2 क्लासेस में, फर्स्ट क्लास में 6 ग्रुप और जो सेकंड क्लास थी हमारी उसमें भी हम लोग 6 लेटर्स कर चुके हैं। तो हमारे टोटल हो गए थे 12 लेटर्स। आज हम नेक्स्ट लेटर्स करते हैं। हम लोगों ने स्मॉल हॉकी बनाई थी। यहाँ पर हम जो लेटर्स बनाएंगे वो स्मॉल हॉकी की ही हेल्प से बनाएंगे। सो यहाँ पर मैं एक छोटी सी मैं यहाँ जो लेटर्स आपको सिखाऊंगी उसमें मैं एक स्टोरी लूँगी, आप उस स्टोरी के थ्रू ही लेटर्स को बनाइएगा, इजीली बना पाएंगे। यहाँ पर एक बच्चा है, आज वो उसको स्कूल जाना है, वो अपने घर से निकला स्कूल के लिए, यहाँ सेकंड नंबर की लाइन तक आया। अब वो अकेला कभी स्कूल नहीं जाता, हमेशा अपने फ्रेंड के साथ जाता है। पहले वो अपने फ्रेंड को लेगा और उसका जो फ्रेंड है उसके बिल्कुल नियर, जस्ट नियर वाली रोड पर ही रहता है। पहले वो उसके घर जाएगा, उसको स्कूल से लेगा, फिर रोड पर आएगा, देन स्कूल जाएगा। यहाँ पर एक बच्चा अपने घर से निकलता है, अपने रो के कॉर्नर पर आ जाता है, देन यहाँ से वो टर्न हो रहा है, बिल्कुल नियर से टर्न होकर रोड पर आ जाता है। ये उसके फ्रेंड का घर है। जब अपने फ्रेंड के घर आ जाएगा, अब उसे दोनों स्कूल जाएंगे, सेम रोड से वापस जाएंगे और स्कूल का कट यहाँ से है। दोनों थोड़ा दूर पर आके टर्न होंगे और स्लांट नीचे आएंगे, ये स्कूल है, और दोनों स्कूल में अंदर चले जाएंगे। दोबारा देखिएगा, स्कूल गए, बच्चा जा रहा है बिल्कुल नियर, बिल्कुल पास वाली रोड पर उसके फ्रेंड का घर है, फ्रेंड के घर आ गया, दोनों स्कूल के लिए जाएंगे और यहाँ से उनके स्कूल का कट है, यहाँ से आएंगे और स्कूल के अंदर गए और अंदर चले गए। ये हमारा लेटर बना एन। इसको आप प्रैक्टिस करिएगा इसी स्टोरी के थ्रू। जब वो अपने फ्रेंड के घर आता है तो देखिए बीच में गैप कितना कम है, क्योंकि जो उसके फ्रेंड का रो है वो बिल्कुल नियर वाला है, दूर नहीं है। पर जब वो स्कूल के लिए टर्न होगा, सेम लाइन से ऊपर आ रहे हैं, टर्न होगा तो स्कूल का रो थोड़ा सा दूर है, थोड़ा सा ये रास्ता वो क्रॉस करेगा, देन वो अंदर आएगा और यहाँ आकर पहले रुकेगा, फिर टर्न होगा। अब देखिए ये वाला तो गैप कम है और ये वाला गैप ज़्यादा है, पर ये 3 के 3 रोज़ जो मैंने अपनी रोज़ बनाई है वो सब पैरेलल है। मैं घर से निकला, टर्न हुआ, फ्रेंड के घर आया, दोनों स्कूल चले जाएंगे। अब आप नेक्स्ट देखिएगा, अभी वो दोनों स्कूल से स्कूल में आ गए हैं। अब वो बच्चा अपने घर से निकला, फ्रेंड के घर आया, स्कूल गया, अब दोनों यहाँ से उन्हें आज बुक शॉप से बुक लेनी है, तो वो अपने स्कूल से पहले बाहर आएंगे रोड पर और नेक्स्ट वाली रोड पर यहाँ बुक शॉप है, बुक लेंगे और घर के लिए आगे चले जाएंगे। दोबारा देखिएगा, दोनों फ्रेंड स्कूल आ गए थे, बुक लेनी है उन्हें, दोनों जाएंगे यहाँ से लेंगे और ये रही बुक शॉप, ये रही बुक्स। सेम स्टोरी के थ्रू अगर आप बनाएंगे तो इजीली बन जाएगा, सारी ही लाइंस पैरेलल बनेंगी। दोनों गए बुक शॉप से बुक ली और बुक लेके चले गए। नेक्स्ट देखेंगे, आज स्टूडेंट्स का हॉलीडे है। अब वो रोज़ स्कूल जाते हैं, वहाँ बहुत पढ़ाई करते हैं, थक गए हैं, आज उनका रेस्ट डे है, तो दोनों ही फ्रेंड घूमने के लिए मॉर्निंग में पार्क में जाएंगे। आज वो पार्क में जाके मस्ती करेंगे। अपने फ्रेंड को उसके घर से लिया, यहाँ से टर्न होगा, वो टर्न होना है, ये रहा पार्क, और पार्क में अंदर जाएंगे, सेम रो पे वापस आएंगे, अंदर जाएंगे और पार्क में अंदर जाके खेलने लगेंगे। ये दोनों यहाँ पर खेल रहे हैं। दोबारा देखेंगे, अपने घर से निकले, टर्न हुए, टर्न होंगे, देन फ्रेंड के घर आया, फिर टर्न हो रहे हैं। यहाँ पर हमें ये चीज़ नहीं बनानी है, कॉर्नर नहीं बनाना है, पॉइंटेड नहीं बनाना है, यहाँ पर वो टर्न हो रहा है, देन पार्क में आए। जैसे हमने W में बनाया था कि वो सेम रो पे वापस आ रहे हैं फिर बाहर निकलते हैं, V में भी ऐसे ही बनाना है। ये हो गया हमारा V। दोबारा देखेंगे, टर्न होके ऊपर,
नेक्स्ट देखेंगे दोनों पार्क में आए थे, आज इस पार्क में बहुत ज़्यादा रश है, दूसरे पार्क में जाएंगे तो वापस जा रहे हैं और इस वाले पार्क में आके आज वो खेलेंगे, पार्क में अंदर घुसेंगे और इन्जॉय करेंगे। ये वाला कट आपने मेरी फर्स्ट वाली वीडियो देखी होगी, मैंने जे बनाया था, ये कट सेम जे की तरह ही मैंने बनाया है, आप ऐसे ही बनाइएगा। अपने घर से निकला, फ्रेंड के घर आया, दोनों मुड़ के पार्क गए, यहाँ आज बहुत रश है, दूसरे पार्क में आ गए हैं, दूसरा पार्क फोर्थ रोड पर है, फोर्थ लाइन पर है, दोनों टर्न होंगे और पार्क में अंदर खेलेंगे। नेक्स्ट अभी वो आज वो जैसे अब हर बार क्या कर रहा था, वो ये जा रहा था टर्न होके कि मुड़ के वो पार्क जा रहे थे। अभी आज क्या है, दोनों फ्रेंड आ गए हैं साथ में, उन्हें याद आया कि अरे दो तीन घर बैक पर ही उनका एक फ्रेंड और रहता है, उसको भी साथ ले लेते हैं। तो पहले वो उसको साथ लेंगे, यहाँ पर है फ्रेंड का घर सेकेंड और थर्ड लाइन के मिड में, देन दोनों यहाँ से ही टर्न होके ये रहा पार्क, यहाँ पर पार्क में आ गए हैं और खेलेंगे अंदर जाके। दोबारा देखिएगा सेम स्टोरी के थ्रू, फ्रेंड को लिया, ये रहा फ्रेंड का घर, बिल्कुल नियर वाले जो रो है उसी में ही है फ्रेंड का घर, दूसरे फ्रेंड को लेना है, यहाँ तक आएंगे, यहीं से टर्न हो जाएंगे और पार्क है ये रहा, अंदर घुसकर खेलेंगे। जब भी आप इसको बनाएंगे तो आप ध्यान रखिएगा, ये जो मैंने कट लिया है यहाँ से, मैं बाहर निकली हूँ सेकंड और थर्ड लाइन के मिड से बाहर निकले हैं और फिर यहाँ पर रुककर देन टर्न होना है। दोबारा देखिएगा एक बार, वापस आए, सेंटर से कट हुए, फोर्थ नंबर की लाइन पर आए और बाहर। तो सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको आज सबसे पहले मैंने कराया ए, देन M कराया, V कराया, Y एंड Z। मैं आपको इसकी जॉइनिंग बताती हूँ कैसे करनी है, आप सेम वैसे ही करिएगा। This is double N, double M. V यहाँ से ही खत्म होगा जैसे W खत्म होता है और नेक्स्ट लेटर भी वहीं से ही शुरू हो जाता है जहाँ से हमारा V खत्म होता है। दोबारा देखेंगे एक बार, V के साथ अगर हम किसी भी लेटर की ज्वाइनिंग करते हैं तो यहाँ पर हमारा V खत्म हुआ तो यहीं से ही हम सेकेंड लेटर, अभी मैं सेकेंड वी बना रही हूँ, स्टार्ट कर देते हैं। डबल वाई, डबल जेड। अब इसी से रिलेटेड मैं आपको कुछ वर्ड्स बना के दिखा रही हूँ, मैं आपको थोड़े से वर्ड बना के दिखा रही हूँ, आप ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड बनाइएगा जॉइनिंग में। आपको मैंने 12 लेटर पहले कराए थे, आज मैंने आपको 5 लेटर कराए हैं, आपके पास टोटल 17 लेटर्स हो गए हैं। आप इन 17 लेटर्स से बहुत सारे वर्ड्स बना सकते हैं, आप बहुत सारी जॉइनिंग कर सकते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं आपको वर्ड बना के दिखाती हूँ, मेरे पास आई था तो मैंने आई से वर्ड बनाऊँगी,
वो भी हमारा ऊपर ही ख़त्म होता है, यहीं पर ख़त्म हो जाता है। ए ओ के साथ अगर कोई भी वर्ड हम ज्वाइन लेटर हम ज्वाइन करेंगे तो हम ऊपर से ही कर देंगे, जैसे मैंने ओ के साथ वाई को ज्वाइन किया है। सो स्टूडेंट्स, मैंने आज आपको कुछ लेटर्स सिखाए हैं, उन लेटर्स से जो मैंने आज आपको 5 लेटर्स कराए हैं और जो मैं पहले भी आपको 12 लेटर्स करा चुकी हूँ, उन सभी 17 लेटर्स से मैंने आपको ज्वाइनिंग करके दिखाई है। आप भी ज्यादा से ज्यादा वर्ड बनाइए, प्रैक्टिस कीजिएगा ज्वाइनिंग एंड सेपरेट सेपरेट भी आप सारे वर्ड्स को 10 या 5 टाइम्स प्रैक्टिस कीजिएगा। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही जल्दी आप परफेक्ट होंगे। आपको प्रैक्टिस करने के लिए सिंपल पेन यूज करना है, सिंपल 5 रुपीज का जेल पेन आता है आप वो यूज कीजिएगा, आपको बहुत महंगा पेन यूज करने की जरूरत नहीं है, मार्केट में इजीली आपको अवेलेबल हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, आपको मेरी वीडियो से आपको कुछ सीखने के लिए मिल रहा है, कुछ लर्न कर पा रहे हैं आप, तो मेरी वीडियो को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा।